तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लियो और एनी दोनों ही अभी वापस से यहाँ सेक्ट के अंदर लौट आए थे, जहाँ पर लियो ने सेक्टर में ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो असल में उस डिमन से लड़कर आया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लियो से कोई मिलने के लिए आता है। लियो तो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो लड़की उस हॉल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल मानी जाती है। उसका नाम लुओलान है और अब वो पूरे दिन लियो के साथ ही घूमती रहती है। लेकिन इस चीज से एनी बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो भी नहीं चाहती थी कि लुओलान यहाँ पर बार बार आए। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग अभी यहाँ से होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एनी तो सुबह सुबह उठकर बाहर झाड़ू लगा रही थी, जबकि लियो सीढ़ियों पर बैठकर सुबह से लुओलान का इंतजार कर रहा था। अब एनी को ये देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चुपचाप उसके पास आती है और पीछे से बहुत तेज झाड़ू उसके सर पर मार देती है और बाद में उसे कह देती है कि वो तो झाड़ू लगा रही थी, उसे देखा ही नहीं, क्योंकि लियो तो सीढ़ियों पर नीचे ही के साइड बैठा हुआ था। अब लियो कहता है कि थोड़ा देख कर काम किया करो। वैसे सच में एनी ने बिना कोई दया दिखाए भर ताकत से झाड़ू मारी थी। लियो को इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मगर उसी वक्त वहाँ पर लुओलान आ जाती है। अब एनी उसके पास आते हुए उसे कहती है कि लियो तो सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन गलती से मैंने उसे झाड़ू मार दी, इसलिए इसके सिर पे आज बहुत ज्यादा चोट आई है। लेकिन वहाँ पर लियो के तो पूरे अंदाज ही बदल चुके थे। वो बहुत ज्यादा स्टाइल में कह रहा था कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। इसके बाद फिर वही सब चालू हो जाता है जो कल के से चल रहा है, और इस सब से एनी बहुत ज्यादा परेशान थी। वैसे वो बोर ना हो इसके लिए बीच बीच में वो लियो को भी परेशान करती थी, जैसे कभी हद से ज्यादा गर्म चाय या पानी दे देना। और जब वो लियो लुओलान को अपनी टेक्निक्स दिखा रहा था, तब उसे गलत फटने वाला तालिस्मान दे देना। सिंपल भाषा में कहे तो एनी ने पूरे मजे लिए थे। लेकिन अब आज का भी पूरा दिन ऐसे चलता रहता है। लेकिन इस सबसे लियो की और लुओलान की दोस्ती और ज्यादा पक्की होती जा रही थी। इसके बाद अब रात होने लगी थी और आज का दिन भी पूरा होने वाला था। यहाँ पर वो लुओलान वापस अपने घर जा रही थी तो लियो उसे कहता है कि थोड़ा देख कर जाना। लेकिन तभी लुओलान का पैर गलत चढ़ाव पर पड़ जाता है, जिस वजह से अब वो वहाँ से अचानक गिरने लगती है। लेकिन हमारे लियो ने उसे बचा लिया था। इससे सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड होती है, पर फिर लुओलान वहाँ से शर्माते भाग जाती है। यहाँ पर एनी उन्हें देख रही थी और वो सब समझ भी रही थी कि जरूर ये सब जानबूझकर कर ही हुआ है, क्योंकि ये अचानक से इस तरह से गिरने वाला आइडिया कोई नई चीज नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर लियो बहुत ज्यादा खुश था और एनी से उसकी जो खुशी है वो देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आज लुओलान भी नहीं आई थी, इसीलिए लियो को भी टाइम मिल गया था थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। पर एनी को इस चीज से बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और फिर वो अपनी तलवार भी वहीं पर फेंक देती है। ये देखकर लियो से पूछता है कि क्या हुआ, तो इस पर एनी कहती है कि असली बात तो ये है कि लुओलान तुम्हें पसंद नहीं करती। लेकिन ये बात सुनकर लियो शॉक होता है। वो कहने लगता है कि नहीं, तुमने शायद ध्यान से नहीं देखा कि वो रोज यहाँ पर आती है। लेकिन अब एनी कहती है कि इससे साबित नहीं होता कि वो सच में तुम्हें पसंद करती है। मुझे उस पर शक है और वैसे भी मुझे लगता है कि वो किसी कारण से यहीं पर आ रही है। अब ये बात सुनकर लियो से समझाने लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है। मेरे पास फायर स्वॉर्ड और आइस पॉल है, लेकिन ये बात तो मैंने उसे बताई ही नहीं है। वैसे मेरे पास वो बैम्बू फॉरेस्ट में मिली हुई मून स्क्रिप्ट भी है, लेकिन मैंने तो ये बात उसे बताई ही नहीं है। तो फिर मुझे जैसे कमजोर से दोस्ती करने में उसका क्या फायदा है। अब इसके बाद एनी उसे कहने लगती है कि देखो, तुम खुद को कम समझ रहे हो, क्योंकि फायदा ढूंढने वाले लोग हर चीज का फायदा ढूंढ लेते हैं, और अक्सर वो ऐसे ही लोगों को अपना टारगेट चुनते हैं जो कि खुद को कम समझते हो। इसके बाद लियो कहता है कि तुम कुछ सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और इसके बाद वो अकेला आगे बढ़ते हुए कहता है कि अभी तक इस माउंटेन में मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं मिली, कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, यहाँ तक कि कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। लेकिन लुओलान अगर मुझसे अच्छे से बात कर रही है तो मैं उस पर शक कैसे कर सकता हूँ। अब एनी को भी गुस्सा आने लगा था क्योंकि लियो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। एनी पास आती है और गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम शक करो और उसे छोड़ दो या फिर यहाँ आने से मना कर दो। मैं बस कह रही हूँ कि थोड़ी सी रिसर्च करके तो देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन अब लियो फिर से कहने लगता है कि देखो, हमें जिससे पसंद करते हैं उस पर डाउट कर पाना या उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं रिसर्च तो नहीं कर सकता, और जहाँ तक बात है शक की तो मुझे शक तो उस पर है ही नहीं। ये बात सुनकर एनी को तो मन कर रहा था कि वो लियो को अच्छे से पीट दे, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अब लियो देख रहा था कि वो उस जगह से जा रही है, लेकिन उसने अभी तक उसे रोका नहीं था। उसे लगता है कि एनी ऐसे गुस्से में कह ही जा रही होगी और अभी कुछ देर बाद वापस लौट आएगी। वैसे इस वक्त लियो को बहुत बुरा भी लग रहा था। वो सोच रहा था कि उसे इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसे अपनी गलती भी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए वो एनी को नहीं रोकता है। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और अब यहाँ पर माफी मांगने के लिए लियो ने बहुत बढ़िया खाना तैयार कर लिया था, और खाना सजाते हुए वो बस अभी एनी का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लुओलान आ जाती है।
आवाज़ सुनकर लियो को लगता है कि वो एनी है, इसलिए वो खुश था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ लुओलान थी। अब लुओलान कहती है कि क्या हुआ, तो लियो बताता है कि उसने ये खाना एनी के लिए बनाया था क्योंकि वो कहीं चली गई है। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खाना ठंडा हो रहा है तो हमें खाना खा ही लेना चाहिए। अब खाना तो उन्होंने कुछ ही देर में खा लिया था, लेकिन यहाँ एनी का अभी भी कोई अता पता नहीं था। और अब रात भी बहुत होती जा रही थी, इसी वजह से लियो को अब और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। इस पर लुओलान कहती है चिंता मत करो, वैसे ही बहुत दूर तक हमारी ही टेरिटरी है, इसलिए उसे यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अब लियो कहते हैं कि तुमने सही कहा, लेकिन अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि रात बहुत होती जा रही है और हवाएं भी चल रही है। लेकिन यहाँ पर लुओलान कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। लेकिन फिर अब वो कह ही देती है कि कल के दिन ऑटम फेस्टिवल है, सभी लोग वहीं पर बिजी होंगे, तो क्या तुम मेरे साथ बाइलू माउंटेन पर चलोगे? मैं तुम्हारे साथ कुछ अकेले में समय गुजारना चाहती हूँ, हम वहाँ से चांद को देखेंगे, वो सबसे ऊंची पहाड़ी है, वहाँ से चांद बहुत अच्छा दिखता है। अब लियो ने तभी अपने मन में ही पूरा चांद देख लिया था, वो तो बिल्कुल तुरंत ही हाँ कर देता है। लेकिन फिर वो कहता है कि बाइलू माउंटेन तो बहुत खतरनाक जगह है, वो इस जगह का सबसे ऊंचा माउंटेन है और वहाँ पर तो कितने गार्ड्स भी रहते हैं। तो इस चीज पर लुओलान कहती है कि हाँ, लेकिन ऑटम फेस्टिवल के दिन वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब लियो से चिपकते हुए उसे मनाने लगती है, जिस वजह से लियो भी मान जाता है और हाँ कर देता है। इसके बाद वो दोनों दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और फिर लुओलान वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लियो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन फिर उसे एनी को भी ढूंढना जरूरी था। वो अपने तलवार पर घूम रहा था, वो पूरे सेक्टर के कई चक्कर लगाते हुए रात भर यही करते रहता है। पूरी रात बीत चुकी थी लेकिन एनी का कहीं नहीं मिली थी। लियो बहुत ज्यादा थक चुका था, वो वापस से घर पर आता है और सुबह भी हो चुकी थी। वो सोचता है कि मुझे रात को डेट पर जाना है, इसलिए मैं ऐसा थका थका नहीं जा सकता, इसलिए वो थोड़ी देर सो जाता है। और सोने की वजह से जब उसकी नींद खुलती है तो बहुत रात हो चुकी थी। हाँ, लेकिन अभी वो लेट नहीं हुआ था, इसलिए वो तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ता है। वो देखता है कि यानी तो अभी तक वापस आई ही नहीं है। वो ये चीज देख के बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन अभी उसका वहाँ जाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो सीधा बाइलू माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। अब सीन चेंज होता है, अगले सीन में हम आ चुके थे लुओलान के पास। अब आज ऑटम फेस्टिवल है, सभी लोग वहीं पर जाने वाले हैं क्योंकि सभी लोग वहीं पर इकट्ठा होंगे। तो यहाँ अब कुछ साथी डेस्क पर लुओलान से कहते हैं कि मिस, क्या आप हमारे साथ ऑटम फेस्टिवल में चलना पसंद करोगी? जिस पर लुओलान कहती है कि हाँ, मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ और वैसे भी आज मेरी प्रैक्टिस जल्दी खत्म हो गई है, इसलिए मैं ऑटम फेस्टिवल में जरूर आऊंगी। ये बात नोटिस करने वाली है क्योंकि लियो तो अभी वहाँ पर बाइलू माउंटेन पर जा रहा है। उसे अनित ने तो कहा था कि लुओलान धोखा दे सकती है, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि ये पार्ट तो ये भी खत्म हो जाता है। अब अगले पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो को थोड़ी सी लंबी लाने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।